जय श्री सीताराम। हजारों लोगों के मन में ये सवाल है, सवाल कहें या डर कहें, कि हमारे घर में पीपल का पौधा उगाया है या वो पेड़ बन रहा है या ऑलरेडी पेड़ है, तो क्या किया जाए। कई सारे दर्शक मुझसे कमेंट करके सवाल करते हैं, कई सारे लोग पर्सनल सब कंसल्टेशन लेते हैं तो उस दौरान मुझसे सवाल करते हैं, और पर्सनली हर किसी को व्यक्तिगत तौर पर तो मैं समझाता ही हूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैंने सोचा इसका एक विस्तार से वीडियो बनाना चाहिए और आप तक ये जानकारी पहुँचाई जानी चाहिए। देखिए, हमारे पूर्वजों की माने तो वो ये कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ में भूत प्रेत का वास होता है, इस वजह से घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। और इसमें मॉडर्न साइंस क्या कहता है, तो मॉडर्न साइंस आजकल का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो ये कहता है कि देखिए एक क्रिया होती जो प्लांट करते, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स, ये पेड़ पौधे इस क्रिया को करते हैं। इस क्रिया में लाइट से वो वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। अब पीपल के पेड़ को ऐसा पाया गया जो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकालता है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकालता है, और यदि ऐसा है तो निसंदेह ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर यह भी देखा गया कि रात के वक्त ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, दिन में तो अच्छी हो जाती है, लेकिन रात के वक्त जो क्या होता है कि चूंकि लाइट नहीं मिल पाता है, किसी भी पेड़ को लाइट नहीं मिल पाता, तो उसी प्रकार से पीपल के पेड़ को भी नहीं मिल पाता। और ज्यादा घने जो पेड़ होते हैं, खासतौर पर पीपल का पेड़ चूंकि बहुत घना होता है, हाँ छोटे मोटे पेड़ों में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पीपल का पेड़ चूंकि बहुत घना होता है, तो ये फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है रात के वक्त, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और यहां तक कि रोज 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 यदि घने पीपल के पेड़ की के नीचे यदि रोज सोया जाए तो इंसान बहुत कमजोर होकर के बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो मॉडर्न साइंस की माने या फिर हमारे पूर्वजों की माने, कुछ भी हो, लेकिन बात तो यही निकल करके आती है कि पीपल का पेड़ हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अब हो गया, अब पौधा आ गया, अच्छा ये भी कहा जाता है कि उसे काटना भी नहीं चाहिए, ये भी कहा जाता है। तो अब आ गया, पौधा आ गया, अब क्या करें। तो पौधे के लिए या छोटा जो पेड़ होता है उसके लिए मैं ये कहता हूं कि देखिए काटना तो नहीं है, और यदि आपके घर में आ गया है तो उस पीपल के पेड़ ने, पौधे ने मरना नहीं चाहिए। हाँ जी, मरने का मतलब क्या, मरने का मतलब ये कि आपने उखाड़ा और उसे उखाड़ करके फेंक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उखाड़ा, उखाड़ करके फेंक दिया और वो जो है वो मर गया, बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा पाप कहा गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका आपके परिवार पर, आपके वंश पर, खासतौर पर आपके बच्चों पर, जो 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 यंगस्टर्स हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपका कुल आगे ना बढ़े, कुल दोष हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है, और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है। पीपल को ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण देव है, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि पौधा या पेड़ यदि उस स्थिति में है जिसमें कि आप उसे पूरी उसकी जो मड है, उसकी जो मिट्टी है, उसके साथ उठाएं और मरे ना, उसके साथ उठाएं, और वैसे ही उसी वक्त आप किसी ऐसी जगह पर जाकर के उसे लगा दें, प्लांटेशन कर दें, या हो सके तो जो जो प्लांट्स को बहुत अच्छे से जानता है, जिन्होंने इसमें पढ़ाई लिखाई की है, हाँ, या फिर जो लोग जो नर्सरी से जो लोग होते हैं, नर्सरी से लोगों को लेकर के आ जाएं आप, थोड़ा उन्हें उनका पैसा दे दें, उनका पेमेंट कर दें, उन्हें लेकर के आए और उसे उस प्रकार से निकालें और एक जगह पर उसका प्लांटेशन करें, एक जगह पर उन्हें आप लगाएं, और लगाने के बाद पूरी केयर आप करें जब तक कि वो बड़ा नहीं होता। आप देखने जाए कि उनके आसपास आप कांटों की एक बाड़ लगा दें, बाड़ मतलब कि कोई जानवर जो है, जंगली जानवर या फिर कोई पेट एनिमल या कोई इंसान उसे खराब ना कर पाए, तो ऐसा कुछ आप कर दें, और उसे जाकर के आप जल देते रहें, रोज जाए उसकी देखभाल करें, जल दें और पता करें कि किस प्रकार से बड़ा हो सकता है। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए कि भाई अब कोई जानवर या कोई इंसान इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तब जाकर के आप उसे छोड़ें। तो ये आपको करना पड़ेगा यदि वो पौधा है या छोटा सा भी पेड़ है यदि, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और अब बड़ा पेड़ है तो भैया देखो, सीधी बात मैं कहता हूं,
जरूरी नहीं कि हर चीज का कोई इलाज हो। जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देगा कि नहीं भैया इसका इलाज नहीं है हमारे पास, है ना। तो हर चीज का इलाज हो जाए जरूरी नहीं है, और हर चीज का इलाज बताया जाए, जो हर बात का इलाज बताते समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसका कोई इलाज नहीं है, यदि आपके घर में पीपल का पेड़ है आप कुछ नहीं कर सकते भाई, कैसे क्या करेंगे, बस वहां से आप छोड़ करके कहीं जा सकते हैं, बस यही एक बात है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। एक काम जरूर कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो दिया लगाएं। यदि हम आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखें तो शाम के वक्त रोज पीपल के पेड़ को दिया आप जरूर लगाएं, जरूर बताएं। उसके अलावा हम वहां से कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जब अधिकतर गाँव में ही ऐसा होता है, शहरों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि जगह, पेड़ उगने की जगह भी तो होना चाहिए, शहरों में इतनी जगह ही नहीं होती है। तो या तो वहां से कुछ लोग निकल गए हैं तो ठीक है, नहीं निकले हैं वहां पर रह रहे हैं तो भी ठीक है, कुछ इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ा पेड़ है, घना पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। वहां से घर ही हटा लिया जाए, वहां मंदिर बना दिया जाए, यही हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बात बताई है इसको आप खुद भी फॉलो कीजिए यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या जिनके साथ आप देख रहे हैं उनको बताइए, या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए। भविष्य में हो सकता है, आज नहीं आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन भविष्य में किसी और के साथ ऐसा हो तो उसे ये बात पता चल सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।